बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पिछली कौमों का हाल खोल खोल कर बयान फरमाया है और उनकी तबाही के असबाब भी बयान फरमाए हैं, और ये भी बयान फरमाया है कि उनको किस गुनाह में, किस अजाब में मुब्तला किया गया। फिर अल्लाह ताला ने उस इंसान को उन लोगों के हाल को देख कर इबरत हासिल करने की नसीहत भी फरमाई है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि तुम ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि हमने ज़ालिमों का क्या हाल किया। इसलिए चाहिए कि आसार कदीमा में जो पिछली कौमों की बाकियात दरियाफ्त होती हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिशें करें और पिछली कौमों के हालात को देखकर और सुनकर इबरत हासिल करें। आज की वीडियो में हम आपको माजी करीब में दरियाफ्त होने वाले एक कदीम शहर पम्पई के बारे में बताएंगे कि ये शहर कब और कैसे दरियाफ्त हुआ, इस शहर के लोग किन गुनाहों का शिकार थे और उन लोगों के गुनाहों की मुशाबहत किस नबी की कौम से थी। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, याद रहे कि इस सफ़े हस्ती पर हज़ारों शहर आबाद हुए और हज़ारों शहर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से कुछ शहरों की बाकियात को तो हज़रत इंसान ने दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन इनमें से बहुत से शहर अब भी ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई नामो निशान दुनिया वालों के सामने नहीं आया। इन्हीं गुमशुदा शहरों में से एक शहर पम्पई का शहर है, जिसके माहिरीन आसार कदीमा को एक अरसे से तलाश थी और ये शहर उनको नहीं मिल रहा था। ये शहर वो शहर है कि जिसकी तारीख रोमन अम्पायर के ज़माने से जुड़ी है, और इस शहर की तबाही की जो वजह थी वो एक आतिश फिशां पहाड़ का फटना था, और जिस गुनाह में ये कौम मुलव्विस थी वो गुनाह हम जिन्स परस्ती था। कहा जाता है कि ये कौम उस गुनाह में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से भी बढ़ी हुई थी। ये शहर यानी पम्पई अब दरियाफ्त हो चुका है, और इस शहर से ऐसी बाकियात सामने आई हैं कि जिनको देखकर और उनके बारे में सुनकर इंसान अपने कानों को हाथ लगाता है कि इस सफ़े हस्ती पर कैसी कैसी कौमें गुजरी हैं। दोस्तों, हम आपको कौम लूत के गुनाह के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से लवातत के गुनाह की इब्तदा हुई थी और कौम लूत का अल्लाह ताला ने क्या अंजाम किया था। लेकिन पहले जिक्र करते हैं शहर पम्पई का और आपको इस शहर के लोगों का हाल बताते हैं जो सदियों बाद दुनिया के सामने आया है। दोस्तों, कहते हैं कि 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए उस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये गुमशुदा शहर, जो अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक था, इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर था पम्पई, जो एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कम्बानिया में नापोली यानी नेपल्स के नज़दीक वाक़ था। यह शहर 7वीं सदी कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर नगी रहने के बाद रोमन अम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय कें कि ये उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, दो मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लॉन और उनमें नसब फवारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। तारीखी रिवायात बताती हैं कि यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से क्रीम केक ईजाद हुआ था और यहीं से इज्तमाई गुसल खानों या हमाम के तसव्वुर ने जन्म लिया था। तारीख बताती है कि यह रोमन अम्पायर के बड़े तजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तमाई गुसल खाने या इज्तमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़रई, तजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आज़ाद मुआशरे का शहर बन गई। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी और समाजी बंधनों से आज़ाद, खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की ख़ास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था जिस्मों का और लज्जतों का। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जब हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो उस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, जिसकी तफसील हम अपनी वीडियो में आगे शामिल करेंगे। ऐसा ही कुछ मामला पम्पई के साथ भी हुआ था।
पम्पई जिनसी सरगर्मियों और गैर इखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। तारीखी रिवायात के मुताबिक यहाँ औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। कहते हैं कि आवाम के साथ साथ शहर की अशराफिया यानी उसके उमरा, अफसरान और अक्सर वज़रा या तो अपने अपने कहबा खानों के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तजारत में मुलविस, जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज़्यादा मुबतला होता। पम्पई शहर में वो इतनी ही ज़्यादा अहमियत का हकदार था। तारीखी रिवायात के मुताबिक बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आज़ादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी। इस पर शर्म तो दरकिनार उल्टा फ़ख्र किया जाता। दोस्तों, इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फहश हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि पम्पई की दीवारों पर लिखी गैर इखलाकी और गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल में कहीं नहीं मिलती। मायरीन की तर्जमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कंदा तहरीरें दरअसल इस कौम के चंद शायरों की शायरी है, जो उन्होंने फितरत के असूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज थे, जिनसे पम्पई के बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान का अंदाज़ा होता है। गर्ज ये आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों की हम जिन्स परस्ती की बदफालियों में हैवानियत की हदों से भी गिर चुके थे। एक आतिश फिशां पहाड़ यानी माउंट सिवेस के दहाने पर वाक़ होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के ख़तरों से बेनियाज अपनी रंगरलियों में मसरूफ था। और फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को उस सफाई हस्ती से मिटाने का इरादा फरमाया और तारीख के मुताबिक 79 ईस्वी में इस कस्बे के करीब वाक़े वेसेवेस के आतिश फिशां पहाड़ से लावा फूट पड़ा। ये आतिश फिशां इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक उसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पम्पई शहर पर आ गिरी। पम्पई शहर के 20,000 अफराद मौके पर हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिश फिशां आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर यानी 13 से 20 फीट राख के नीचे दफन हो गया। लावे के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि कहाँ ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर था। और कुदरत की शान देखिए कि 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल्स जूं की तूं हालत में मौजूद थे। बताया जाता है कि ये अजाब इस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाजिल हुआ कि जब उनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलव्वस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहरीन आसार कदीमा ये देख कर हैरान रह गए थे कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया है। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आज भी जब पम्पई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो अपनी आखिरी वक्त में मौजूद थे। उनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द औरतें बदफेलियों में मसरूफ थे। कई घरों में रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं जो जूं के तूं ऐसे ही रुके हैं, जैसे किसी ने अचानक उन्हें साकित कर दिया हो। दोस्तों, दरअसल ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं और अल्लाह ताला ने आने वालों के लिए रख छोड़ी हैं ताकि आने वाले ये जान सकें कि अल्लाह ताला सरकशी करने वालों का क्या हाल करता है। इसलिए चाहिए कि इन कौमों के हालात व वाक़ियात को सिर्फ कानों की लज्जत हासिल करने के लिए ना मुलाहिज़ा किया जाए बल्कि इनसे इबरत भी हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, ज़राए का कहना है कि इस शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है और खुदाई अभी जारी है। पम्पई की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों का बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और निकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार इस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था, लेकिन अफसोस के इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नियमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया
और आइंदा आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत में तब्दील हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर उस काम और गुनाह से महफूज रखे जो कि अल्लाह की नाराज़गी और आज़ाब का सबब है, आमीन। दोस्तों, आपने पंपई के लोगों का हाल मुलाहिजा किया जो कि इस तरह के गुनाहों में मुलव्वस थे जो गुनाह लूत अलैहिस्सलाम की कौम में पाए जाते थे। हम आपको रोमन अम्पायर यानी सल्तनत रूम की तारीख भी बताएंगे जिस तारीख के साथ शहर पंपई का ताल्लुक था। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि हम जिन्स परस्ती के गुनाह का आगाज कैसे हुआ था और कौम लूत पर अल्लाह ताला ने क्या अजाब नाजिल फरमाया था, और इसके अलावा कौम लूत की औरतों में हम जिन्स परस्ती कैसे फैली थी, ये भी आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से शहर पंपई एक खूबसूरत शहर था और उसमें अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी थी, इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की जानिब भेजे गए यानी अहले सदूम की जानिब, तो उस इलाके के बारे में भी रिवायात ये बताती हैं कि यह इलाका भी दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता था और हर किस्म की नेमतों की उन पर फरावानी थी। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह का शुक्र बजा ना लाया। रिवायात के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए और यूं इन बस्तियों के मुकीम कौम लूत कहलाए। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि सदूम के आसपास पांच नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे जिनमें से हर एक की आबादी 1,00,000 नफूस से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्जो शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे, बागात की कसरत थी, इसीलिए लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्बो जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी व गज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। दोस्तों, याद रहे कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर व तकब्बुर और आदात बद में मुबतला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इबलीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीकाकार पर गौर व खौज कर रहे थे कि इबलीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इबलीस ने कहा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौ उम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इबलीस के कहने पर इस बदकारी के मौजद यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इसलाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकात से मना फरमाया, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो, हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो मजीद ढटाई और हठधर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। उसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इस बारे में इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो, हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना उनकी कौम को बुरा लगता था, चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया
कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। जैसा कि कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद एक हद तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते वो उतना ही उनका तमस्खर उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर सब्त कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने नहायत बेबजी के आलम में अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। दोस्तों, फिर वो वक्त भी आया कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ न खाइए, हम आपको एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान जदा हैं। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फ़िक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज़ उनकी बीवी के वो पीछे रहने वालों में होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अजाब कौमों को नेस्तो नाबूद कर देता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहायत रहम दिल और रकीकुल कलब थे। चुनाचे उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब आने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि यही फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब गए। जैसा कि हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दरहकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि ऐ अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया,
लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुप भागकर उन्हें अपने घर ले आए। इस हवाले से कुरान पाक में फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहि सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। दोस्तों, इस आयत की जेल में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो नहायत हसीनो जमील नौ उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुबतला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीह के पेश नज़र खतरा था कि ना जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने नौ उम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो, क्या तुम में से कोई भी शायस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहाँ की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। दोस्तों, कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुबतला हो चुकी थी। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझमें तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। रिवायात बताती हैं कि फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थी। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकल कर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत जायल हो गई। यह खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे, और फिर सुबह होते ही अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आँखें अंधी कर दी। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि अभी सुबह का आगाज़ ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता के आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी, फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये आज़ाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो वो उसे पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दीं और उस ज़मीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। यूं अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ
और अल्लाह ताला ने उस वादी को हमेशा के लिए निशाने इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे बहिरे मुर्दार कहा जाता है। याद रहे कि इस वादी के मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़े है। दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के हवाले से एक रिवायत यूं भी है कि फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अपने साथियों को लेकर रात को निकल जाएं और कोई मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखेगा। चुनाचे रात को हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में जब ये अहले हक का काफिला ज़गर के पहाड़ों पर चढ़ रहा था, कौम लूत की बद आमाली की सज़ा शुरू हो गई। पहले तूफ़ानों बादो बारां और फिर पूरी बस्ती जड़ से उखाड़ कर बुलंदी पर ले जाई गई और बुलंदी से पलटाकर उसे नीचे फेंक दिया गया। ऊपर से पत्थर बरसाए गए। रिवायात बताती हैं कि कौम पर जब अजाब आ रहा था तो किसी मोमिन ने मुड़कर नहीं देखा, सिवाय आपकी बीवी के, तो वो भी पत्थर बना दी गई। उसका मुजस्मा अभी तक मौजूद है, जो एक हैरत ज़दा औरत का मुजस्मा लगता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये हशरे बद कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों में बयान हुआ है। रिवायात के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा ज़गर नामी बस्ती में गुजारा, और कैसे गुजारा इस बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। वहीं आप फौत हुए और वहीं दफन हुए। उनकी कब्र मुबारक की निशानदही की जाती है, लेकिन किसी नबी की कब्र की माँ सवाए खातमुल अनबिया की कब्र मुबारक के 100% यकीनी मालूम नहीं है। आपकी कब्र मुबारक पर आपकी तारीख वफात 29 जमादिसानी लिखी हुई है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आपने कौम लूत का वाकया मुलाहिजा किया कि किस तरह से उन्होंने शैतान की पैरवी करते हुए एक अजीम गुनाह का इर्तकाब किया, और फिर उनकी सरकशी जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। और कुरान पाक में इस वाक़े को इसलिए बयान फरमाया कि हम लोग गुज़श्ता कौमों के इन हालात से इबरत हासिल करें और अल्लाह की नाफरमानी से बाज रहें। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जहां कौम लूत के मर्द इस गुनाह में मुब्तला थे, वहीं पर उस कौम की औरतें भी उस गुनाह का शिकार थीं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था और उस औरत ने ऐसा क्या किया था कि जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई थीं। दोस्तों, याद रखें, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस से पता चलता है कि शैतान एक मखलूक नहीं है, बल्कि ये इबलीस की पूरी नस्ल है और इसकी बेशुमार औलाद है। और कुरान पाक में शैतान की ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मुआविन हैं। शैतान की ज़ुर्रियत और औलादों में एक नाम लाकैस का भी है। रिवायात के मुताबिक लाकैस शैतान की बेटी है, जिसे शैतान ने एक ख़ास ड्यूटी देकर कौम लूत की तरफ भेजा था। दोस्तों, बयान किए गए वाक़े में आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि इबलीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उनको आपस में ही, यानी मर्दों मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, यूं ये लोग इस अमल के आदि बन गए और वो लोग इस बदफेली के आदि हो गए। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर अगर उनके इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग गुमराही के इस गढ़े में गिरते चले गए और ये लोग औरतों की बजाय लड़कों और मर्दों से जना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रगबत ना रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चुराहों पर किया जाने लगा। उनकी महफिलों में मर्दों का रक्स और मर्दों के साथ बदफेली करना उनका दस्तूर बन चुका था। आखिर अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अहले सदूम को इस बुरे फेल से तौबा करने को कहा और फरमाया कि क्या तुम ऐसी बुराई करते हो जो इससे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं की? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो, लेकिन उन लोगों पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत का कोई असर ना हुआ और वो उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और कहने लगे कि
कि तुम इतने ही पाक हो तो तुम इस बस्ती से निकल जाओ। याद रहे, अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा निज़ाम बर्बाद हो रहा था। ताहम जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे ख्वाहिश पूरा करना छोड़ दिया तो इबलीस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो उस कौम में एक और गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इबलीस लईन ने अपनी बेटी का, जिसका नाम लाकैस था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकैस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इबलीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उनको हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकैस एक खूबसूरत औरत के रूप में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी कि मैं तबाहो बर्बाद हो गई, मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है, मेरा हुसन और मेरी जवानी सब कुछ बर्बाद हो रहा है और ये सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की बाकी औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकैस ने उन औरतों से कहा कि हम भी उन औरतों से बेनियाज हो जाएंगी, उनकी तरफ हम भी रगबत नहीं करेंगी, हम सबको इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लाकैस से पूछा, वो कैसे? लाकैस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों के साथ हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाया। उस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम की बाकी औरतों के पास गई और उन सब को भी इसी तरह करने को कहा और यूं मर्दों की तरह औरतों में भी हम जिन्स परस्ती का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। अब मर्दों के साथ साथ औरतें भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्वस हो गईं और जब कौम लूत के गुनाह हद से तजावज़ कर गए तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब भेजा, जिसके बारे में हम तफसील से आपको बता चुके हैं। दोस्तों, कौम लूत और पंपई के रहने वाली कौम, दोनों कौमों के हालात तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों कौमों का अंजाम तकरीबन एक जैसा हुआ। दोनों कौमें अल्लाह के गज़ब का शिकार हुईं और अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाकर उन्हें इबरत का निशान बना डाला। लेकिन अफसोस के आज के मुसलमान के पास ना तो कुरान पाक को समझने का वक्त है और ना ही इबरत हासिल करने का वक्त है। दोस्तों, आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो खुद ही सोच लें कि कौन से गुनाह ऐसे हैं कि जो पिछली कौमों में मौजूद थे और हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं है, लेकिन ये उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला इस उम्मत पर इज्तमाई अजाब नाजिल नहीं फरमाता, वरना हमारा जो हाल है हर कोई बेहतर जानता है। दोस्तों, यहाँ कौम लूत की चंद ऐसी नाफरमानियों का जिक्र करते हैं जिनमें से बेशतर ने आज आलम कुफर के साथ साथ दुनियाए इस्लाम को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। उनकी नाफरमानियाँ ये थीं: नंबर एक, मुसाफरों की हक तलफी करना, उन पर जुल्म व सितम करना, उनका माल लूट लेना, उनसे भत्ता वसूल करना, सदका ना देना, कबूतरबाजी करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बात बात पर गालियाँ देना, सीटियाँ और तालियाँ बजाना, चुगलखोरी करना, मूछें बड़ी रखना और दाढ़ियाँ तरशवाना, शराब पीना, गाने बाजे के आलात बजाना, मजलिस में फहश बातें करना, मर्दों और नौजवान लड़कों का एक दूसरे के साथ बदफेली करना, ऐलानिया बदफेली करना, बीवियों के साथ बदफेली करना, खूबसूरत लड़कों को शहवत के साथ देखना, उनसे हाथ मिलाना और बदफेली करना। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, क्या ये नाफरमानियाँ आज हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती? इनमें से अक्सर गुनाह हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि इस उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआओं के तुफैल रियायत बरती जाती है। दोस्तों, गुज़श्ता कौमों का अंजाम क्या हुआ, मुकम्मल तफसील आप जान चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुसलमान अपना मुहासबा करें, अपना अनालिसिस करें, खुद को इन गुनाहों से बचाएँ। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार होकर हम भी ऐसे अजाब में मुब्तला कर दिए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है
कि अल्लाह हमारी हर तरह के गुनाहों से और अपने आज़ाबों से हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों अब बात करते हैं रोमन अम्पायर की तारीख की और आपको मुख्तसरन सल्तनत रोम की तारीख बताते हैं। इसी तारीख से शहर पोम्पई का ताल्लुक था, जिसकी तफसील हम वीडियो के आगाज में आपको बता चुके हैं। दोस्तों तारीखी रिवायात बताती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों कबल इटली के दरियाए टाइबर के किनारे 7 छोटी पहाड़ियों पर मट्टी के बने 7 गांव आबाद थे, जो वक्त के साथ तरक्की करके रोम नाम के एक छोटे से शहर में तब्दील हुए और ये इलाका अगली सदियों में बतदरीज बहिरा रोम के इर्द गिर्द और दूसरे ममालिक पर कब्जा करके 500 साल तक एक ताकतवर सल्तनत का मरकज बन गया। दोस्तों रिवायात के मुताबिक ये सल्तनत अपने उरूज के दौर में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल 23 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर फैली हुई थी। माजी की शानदार तहजीबों, मेसोपोटामिया, मिस्र और बिलखसूस कदीम यूनान के सकाफती विरसे की न सिर्फ अमीन और मुहाफिज रही, बल्कि तर्ज सियासत, इंतज़ाम, हकूमत, कानून और तामीरात और पब्लिक वर्क्स के मैदानों में शानदार इजाफे भी किए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जदीद मगरबी तहजीब की सकाफत, कानून, टेक्नोलॉजी, फ़नून ज़बान, मज़हब, तर्ज हकूमत और सियासत, अफवाज और तर्ज तामीर पर कदीम रोमी सल्तनत के देरपा असरात हैं। आइए आपको इस कदीम रोमन सल्तनत की मुख्तसर तारीख बताते हैं, जिस तारीख का वाकया यानी शहर पोम्पई के हालात आपने वीडियो के आगाज में मुलाहिजा किए हैं। दोस्तों तारीखी रिवायात के मुताबिक इटली एक जजीरा नुमा है जो यूरोप के जनूब जाने बहिरा रोम में वाक़ है। शुमाल में कोहे आल्पस की वजह से बाकी यूरोप से अलहदा है। 2000 कबले मसीह में स्विट्ज़रलैंड से बाज आर्याई बाशिंदे यहाँ इटली के शुमाल में दरियाए पो की वादी में आबाद हो गए। इसके बाद से आर्याई नस्ल बाशिंदों की आमद जारी रही, जो वस्ती और जनूबी इटली में आबाद होते गए। ये कबीले अतालवी कहलाए। इनमें मशहूर कबीले को लातिनी कहा जाता था और यूं इन अतालवी कबीलों के इलाके का नाम लातीम पड़ गया। 1000 कबले मसीह में एशिया कोचक से मखलूत नस्ल कबीले जो एट्रोस्किन कहलाते थे इटली में आबाद हो गए। रिवायात के मुताबिक ये पहले बाशिंदों से ज़्यादा महज़ब और तरक्की याफ्ता थे। ये तजारत पेशा लोग थे, उन्होंने इटली में शहरी रियासतें कायम की। दोस्तों तारीखी रिवायात बताती हैं कि 7वीं सदी कबले मसीह में इटली के साहली इलाकों सिसली वगैरह में यूनानी आबाद हो गए। यूँ 6वीं सदी कबले मसीह तक इटली में 3 अहम लोग आबाद हो गए थे। नंबर 1 शुमाली इटली में एट्रोस्कन, नंबर 2 दूसरे वस्त और जनूब में अतालवी कबीले और नंबर 3 तीसरे जनूबी साहली इलाकों में यूनानी नस्ल बाशिंदे। रिवायात के मुताबिक इनमें एट्रोस्किन बाशिंदों ने अपने इलाके में शहरी रियासतें बनाकर बादशाहत कायम कर ली थी, जबकि अतालवी कबीले आपस में बरसरे पैकार थे। दोस्तों जहां तक बात है रोम के क़याम की, तो रिवायात के मुताबिक लातीम और एट्रोस्किन इलाकों में तजारती ताल्लुकात के बायस आमदोरफ्त के नतीजे में लातीम की पहाड़ी सरहद पर 7 गाँव बस गए, जो बतदरीज रोम के शहर में तब्दील हो गए। इस शहर का इंतज़ाम लातीनियों के पास था और यूं ये उनका अहम शहर बन गया और इलाका लातीम के 30 के करीब शहरी रियासतों के इत्तेहाद लातीम लीग का बिलाखर रोम कायद बन गया। एक ज़माने में एट्रोसिंक्स कबीले ने रोम पर कब्ज़ा कर लिया, मगर 509 कबले मसीह में इसके आखिरी बादशाह को निकाल कर रोम के बाशिंदों ने दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। रिवायात बताती हैं कि रोम की बहसियत जमहूरिया और मुस्तनद तारीख का आगाज़ 509 कबले मसीह से होता है और शाही दौर का खात्मा होता है। अगरचे रोम के शाही दौर में बादशाह के साथ सेनेट और असम्बली जैसे इदारों की मौजूदगी में महदूद बादशाहत और महदूद जमहूरियत की बुनियाद पड़ चुकी थी, मगर एट्रोस्कन बादशाहों के दौर में सेनेट और असम्बली की अहमियत ख़त्म हो गई थी। कहा जाता है कि इब्तदाई जमहूरियत में सेनेट सिर्फ बालाई तबके पर मुश्तमिल थी। ताहम अवाम और उमरा के दरमियान तवील कशमकश के बाद 449 कबले मसीह में एक जाब्ता कवानीन के ज़रिए अवाम को काफ़ी समाजी हकूक दिए गए। फिर अवाम मुतालबे पर उमरा की असम्बली के साथ अवाम की असम्बली के क़याम से कवानीन बनाने के बाज़ इख्तियारात भी अवाम को मिल गए
और मजीद इख्तियारात के लिए अवाम की जिद्द जहद जारी रही। रिवायात के मुताबिक 376 कबल मसीह में लीसेंस नामी कवानीन से अवामी कौंसिल की तकर्री के अलावा माली और ज़रई इस्लाहात और मजहबी ओहदों में उमरा के साथ अवाम की बराबरी के साथ अवाम और ख़ास की कशमकश ख़त्म हो गई थी। अलबत्त 287 कबल मसीह में अवामी असम्बली सेनेट के दस्तनगर भी न रही। यूं तकरीबन 200 साल की जिद्दोजहद के बाद रोम की जमहूरियत में अवाम को सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी हकूक मिल गए, बल्कि बाज़ हवालों से अवाम के इख्तियारात उमरा से ज़्यादा हो गए और सल्तनत की इंतज़ामी मामलात की जिम्मेदारी अवामी असम्बली की हो गई थी। यूं रोम में 509 कबल मसीह में एट्रोस्कन बादशाह के खात्मे से जमहूरियत की इब्तदा हो गई थी, जिसके साथ उमरा और अवाम के दरमियान अंदरूनी सतह पर हकूक की जंग भी जारी रही थी। 287 कबल मसीह ता 495 कबल मसीह के दौरान मुख्तलिफ अवाम दोस्त कानून साजी से अवामी बाला दस्ती यानी जमहूरियत काफ़ी मुस्तहकम होती रही, जबकि इसी दौरान रोम की रियासत को बैरूनी हमला आवरों से भी मुकाबला करना पड़ा। यूं अतालवी शहरों का इत्तेहाद 493 कबल मसीह से रियासत रोम की ज़ेरे क़यादत कायम था। रिवायात के मुताबिक 390 कबल मसीह में इस इत्तेहाद का इटली के शुमाल के एक बर्बर कौम गाल के हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने इलाके के काफ़ी बड़े हिस्से को जला दिया। इस मुसीबत के फरोह होने के बाद रोम की असर नौ तामीर की गई। रोम नई ताकत के साथ उभर कर हमसाया इलाकों पर कब्जा करने लगा। रोम की बढ़ती ताकत के बायस लातिनी इत्तेहाद की दूसरी रियासतों के साथ जंगों का आगाज़ हुआ और 339 कबल मसीह तक जारी इन जंगों में रोम की फतहयाबी से बकिया लातिनी शहरों पर रोम की बालादस्ती कायम हो गई और यूं यहां से रोम की सल्तनत का आगाज़ हो गया और रोम इटली की अहम तरीन रियासत बन गया। दोस्तों, तारीखी रिवायात के मुताबिक इसके अगले साल 338 कबल मसीह में मकदूनिया के फिलिप दोम यानी सिकंदर आजम के बाप ने यूनानी रियासतों को फतह करके मजबूत रियासत कायम कर ली थी। इसके बाद 290 कबल मसीह से 343 कबल मसीह तक सल्तनत रोम वस्ती इटली के पहाड़ों पर काबज अतालवी नस्ल सामिनी कबीले के साथ जंगों में फंसा रहा। 290 कबल मसीह में रोम ने उनको फैसला कुन शिकस्त दी और पूरे वस्ती इटली पर रोम का इक्तदार कायम हो गया। शुमाल के कुछ हिस्सों पर गाल काबिज रहे और जनूब में यूनान की नौ आबादियात कायम थीं। एट्रस्कन कबीले का इक्तदार बिल्कुल ख़त्म हो गया। रिवायात बताती हैं कि इसके बाद रोम के मुकाबले सिर्फ दो ताकतें रह गई थीं, एक यूनानी नौ आबादियात और दूसरी कार्थिज की नौ आबादियात। रिवायात के मुताबिक सामिनी कबीले से निमटने के बाद रोम ने यूनानी नौ आबादियात पर हमले शुरू किए। इटली में यूनान के अहम शहर ट्रेंटम पर हमले के मौके पर यूनानियों ने सरहदी रियासत आइप्रस के हुक्मरान पायरस की मदद से रोमियों को कामयाब ना होने दिया। ताहम ज़्यादा नुकसान के बायस वो जनूबी इटली के इलाके से सिसली पहुँच गया। इसका कुछ हिस्सा कार्थिज की नौ आबादियात था, जो बाहिरा रोम में सबसे ताकतवर थे। कार्थिज ने इनके बहरी बेड़े को शिकस्त दी, जबकि रोम की बड़ी अफवाज ने पायरस को पसपा होने पर मजबूर किया। इन शिकस्तों के बाद वो यूनानी नौ आबादियात को रोम और कार्थिज के दरमियान छोड़कर अपनी रियासत वापस चला गया और यूं 270 कबल मसीह तक रोम ने इटली के तमाम यूनानी नौ आबादियात पर कब्जा कर लिया, जबकि सिसली के पूरे जजीरे पर कार्थिज काबिज हो गया। इसलिए अब रोम का मुकाबला इसी बकिया ताकत यानी कार्थिज से होना था। यानी यह थी दोस्तों सल्तनत रोम की इब्तदाई तारीख कि किस तरह से रोम की बुनियाद पड़ी और किस तरह से ये सल्तनत कायम हुई और इस सल्तनत यानी रोमन अम्पायर का एक शहर पोम्पई था, जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही ये बताइएगा कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।